Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center, and today I'm going to start class 11 chapter 1 set and the topic is operation on set. तो सबसे पहले आता है बेटा आपका यूनियन सेट, ठीक है? तो अब हम लोग इन चीजों को रटेंगे नहीं, समझेंगे कॉन्सेप्ट से. तो यूनियन का मीनिंग क्या होता है? यूनियन का मीनिंग अगर आप देखें तो यूनिटी होता है, एक साथ मिलकर रहना. तो सेम चीज यहाँ पर है. तो जब ये वर्ड आपको मिले तो आप बस ऐसे ही याद करना कि किस तरीके से ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे एक सेट गिवन है ए, उसके कुछ एलिमेंट्स गिवन है. सेट बी गिवन है, उसके कुछ एलिमेंट्स गिवन है. अब देखो बेटा, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी. ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये है यूनियन का, ठीक है? तो इसको हम यूनियन का सिंबल ऐसा होता है ए यूनियन बी. तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, जितने भी ए में एलिमेंट्स हैं वो भी सारे पुट कर देंगे और जितने भी बी में एलिमेंट्स हैं वो भी पुट कर देंगे. तो ए में जैसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ए के सारे आ गए. अब बी में आते हैं 1 2 3 4. देखो बेटा, सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं, अननेसेसरी होते हैं वो. तो 1 2 3 4 ऊपर वाले और नीचे वाले सेम सिंगल टाइम राइट डाउन होंगे. अब क्या बचते हैं आपके 5 और 6, और देखो 5 और 6 ये दोनों भी हमने इसके अंदर राइट डाउन कर दिए. तो ये क्या फाइंड आउट किया हमने, ए यूनियन बी. तो इस तरीके से किन्हीं भी दो सेट का हम यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं. अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का, ठीक है? सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स एक वेरिएबल है और एक्स की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये फैक्टर्स ऑफ 12, किसके फैक्टर्स हैं इसके, 12 के. 12 के फैक्टर लिख लेते हैं बेटा 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे फैक्टर हैं बेटा. और अब हम फैक्टर लिख लेते हैं दूसरे सेट के. तो यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल है और इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, फैक्टर ऑफ 18. तो 18 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, 1 2 3 6 9 और 18. अच्छा, ये कॉमन फैक्टर मैं क्या बोल रही हूँ बार बार आपको, अगर मैं इसके ऑलरेडी 5 पार्ट्स बना चुकी हूँ, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं सारे, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी. तो देखो, 1 के सारे वेरिएबल लिख लेते हैं हम. पहला सेट, फर्स्ट सेट क्या है, ए. ए के सारे वेरिएबल लिखते हैं 1 2 3 4 6 12. अब यूनियन निकालना है तो बी के भी सारे लिखने होंगे. 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 6 भी लिख चुके हैं. अब हमारा क्या आता है बेटा, 9, और लास्ट में क्या होता है, 18. तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो सेट्स के यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं. अब आता है बेटा इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मीनिंग आप कैसे याद रखेंगे, इंटरसेक्शन मीनिंग होता है कि कॉमन पार्ट. क्या मतलब होता है इंग्लिश में, कॉमन पार्ट या हिंदी में, ठीक है? अब दो सेट हम लेते हैं, एक सेट हमने लिया ए, एक सेट लिया बी. ये इसके एलिमेंट्स हैं और ये इसके एलिमेंट्स हैं, और ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये होता है इंटरसेक्शन का. इसको रीड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी. तो इंटरसेक्शन बेटा कॉमन पार्ट लेना है तो देखो, 1 दोनों में है हम पुट करेंगे, 2 दोनों में है बेटा पुट करेंगे, 3 दोनों में है पुट करेंगे, 4 दोनों में है पुट करेंगे. अब 5 6 7 ए में तो है, बी में नहीं है. तो इंटरसेक्शन निकालते टाइम हम सिंबल कॉमन एलिमेंट्स को ही पुट करते हैं और सबको लीव कर देते हैं. तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना कितना आसान है, 1 2 3 4. सेम एक सेट बिल्डर फॉर्म के साथ कर लें. अभी हमने फैक्टर्स लिखे 1 2 3 और 4 6 और 12, अभी पीछे हमने लिखे थे. और इसके फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, 18 के फैक्टर्स 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है? सेट बिल्डर फॉर्म से किसी भी ऑपरेशन को लगाने के लिए सबसे पहले हमें उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहिए. डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत प्रैक्टिस हो गई, लेकिन बेटर है कि आप उसको पहले राइट डाउन कर लें. अब देखो कॉमन क्या बेटा, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है. देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है. अब देखो 4 यहाँ पे तो है बेटा, लेकिन नीचे नहीं है, लीव कर देंगे. 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, बस और कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है. तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया बेटा, 1 2 3 6. नेक्स्ट सेट आता है आपका डिफरेंस ऑफ सेट. देखो बेटा, डिफरेंस ऑफ सेट काफी इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंस का मीनिंग आपको पता है, माइनस करना. सेट को माइनस कैसे करते हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे आप ये जरूर ध्यान रखना कि वो ए माइनस बी करा रहे हैं या बी माइनस ए करा रहे हैं, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है. जो भी जिस भी सेट में से जिसको माइनस करा रहे हैं, पहले उसके पास जाते हैं. तो ए में से बी माइनस हो रहा, तो हम जाएंगे बेटा ए के पास.
अब ए के पास जो कॉमन होंगे उन्हें हम कैंसिल कर देंगे, उन्हें हम लीव कर देंगे, और जो कॉमन नहीं होंगे वो इसके आंसर में आ जाएंगे। देखो वन और वन कॉमन है तो हम इन दोनों को लीव कर देंगे, टू और टू कॉमन है लीव कर देंगे। अब ए को माइनस करें तो ए में जितने एलिमेंट बचते हैं वही उसका आंसर होता है ए माइनस बी। अब देखो बी माइनस ए में ए के एलिमेंट्स बेटा ये, बी के एलिमेंट्स ये। अब देखो बी माइनस ए करना, तो बी स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो हम किसके पास जाएंगे, बी के, ना कि ए के। अब बी से कंपैरिजन करेंगे, वन इसमें है, वन इसमें है, कैंसिल कर देंगे, टू इसमें है, टू कैंसिल कर देंगे। अब फाइव और सिक्स इसमें तो है इसमें नहीं है, तो इसको लीव कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा, बी माइनस ए का फाइव एलिमेंट सिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस में से किसको माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, देखो एक सेट ए है तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। फाइंड आउट कैसे करते हैं बेटा, देखो एक एलिमेंट, एक सेट है यू यू, ये कौन सा सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट। इसे यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं हम, आप टाइप्स ऑफ सेट में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ये बेटा उसके एलिमेंट्स गिवन है सारे, एक सेट ए है और ये इसके एलिमेंट्स गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, अब यूनिवर्सल देखो किस में से किसको माइनस कर रहे हैं, यू में से ए को माइनस कर रहे हैं, तो पहले क्या लिखा हुआ है, यू, तो किसके पास जाएंगे, यू के। अब यू में से जितने कॉमन है उनको कट कर देंगे, यू में जो बचेंगे वही उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखो वन वन कैंसिल, टू टू कैंसिल, थ्री थ्री कैंसिल, फोर फोर कैंसिल, फाइव फाइव कैंसिल, बचता क्या है, सिक्स सेवन एट नाइन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए डैश बोलते हैं इसको, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया बेटा, सिक्स सेवन एट नाइन। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका डिसजॉइंट। डिसजॉइंट से ही आपको पता है जहां पे डिस लग जाता है तो वो क्या हो जाता है कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते या एक दूसरे से जुड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे करके हम याद रखेंगे, करते कैसे हैं, एक सेट बेटा ए है ये इसके एलिमेंट है, एक सेट बी है ये एलिमेंट है। अब देखो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन नहीं करना, हमें ये इंटरसेक्शन करना एक कंडीशन है डिसजॉइंट सेट्स को पता करने की। तो सबसे पहले अगर कोई दो सेट्स गिवन है और उसको हमें बताना है कि दीज आर डिसजॉइंट यस और नो, तो सबसे पहले उसका इंटरसेक्शन करके देखो। इंटरसेक्शन करने के बाद देखो हमने किया, सेवन इसमें कहीं नहीं है, एट नहीं है, नाइन नहीं है, टेन इलेवन, ऐसे उल्टा वन नहीं है, टू नहीं है, थ्री, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब जब हमने ए इंटरसेक्शन बी किया तो हमें कैसा सेट मिला, एम्प्टी सेट। फाइव फाइव इन दोनों सिंबल का सेम मीनिंग होता है, तो ये कौन सा सेट मिला बेटा, एम्प्टी सेट। तो अगर किन्हीं दो सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन करें और हमें एक एम्प्टी सेट मिले तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेट्स को कहते हैं बेटा डिसजॉइंट सेट। ठीक है, एक इसका सेट बिल्डर फॉर्म से समझ लेते हैं जिससे क्वेश्चन करने में आसानी हो आपको। देखो एक एक एक्स वेरिएबल है, एक्स के अंदर कैसे नंबर है बेटा, इवन नंबर, और लेस देन क्या है, एट। सारे इवन नंबर लिख लेते हैं हम, टू फोर सिक्स एट, लेस देन टेन है बेटा तो एट तक लिखेंगे। और बी यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ओड नंबर्स, लेस देन क्या है बेटा, एट, तो लिखेंगे इसको वन, और नंबर थ्री फाइव सेवन नाइन, लेस देन टेन है। अब हम इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, देखो टू इसके अंदर कहीं नहीं है, फोर नहीं है, सिक्स एट, ऐसे उल्टा वन थ्री फाइव सेवन है, तो हमें एक कैसा सेट मिला, एम्प्टी सेट। इट मीन्स ये दोनों सेट कैसे हैं बेटा, डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट आता है आपका इंटरसेक्टिंग सेट। देखो इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्शन दोनों सेट में डिफरेंस है बेटा, इंटरसेक्शन में नॉर्मल इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्टिंग जो है उससे एक स्टेप आगे है। एक सेट ए है इसके अंदर ये एलिमेंट है बेटा, बी है ये है। इंटरसेक्टिंग सेट करने के लिए भी पहले कंडीशन है, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करके देखेंगे। हमने इंटरसेक्शन करके देखा बेटा, तो इंटरसेक्शन में हमें क्या पॉइंट मिले, वन वन कॉमन, टू टू कॉमन, थ्री थ्री कॉमन, फोर फोर, जो कॉमन थे वो हमने लिख लिए। तो इंटरसेक्टिंग सेट की कंडीशन क्या होती है बेटा, कि अगर हम किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन करें और हमें एलिमेंट्स मिले नॉट इक्वल्स टू, हमें कोई भी एम्प्टी सेट ना मिले, देन दे सेट, दीज सेट्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सेट। तो ये था बेटा आपका ऑपरेशन ऑन सेट्स। इलेवेंथ क्लास पे इतने ही ऑपरेशन ऑन सेट्स गिवन है। आप कोई प्रॉब्लम्स है आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और देखते रहिए आप। और इसके फाइव पार्ट्स में बना चुकी हूँ, लास्ट पार्ट बचा है इसका, फिर आपका सेट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।